हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त द स्लेयर। सो हमारे सामने खड़ी हुई है क्लासिक 350 ऑफ रॉयल इनफील्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं और अपडेटेड वर्जन अभी आया हुआ है। कलर्स भी काफ़ी अपडेट हो गए हैं, कुछ तीन चार चीज़ें और भी अपडेट यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पे जो कलर है अभी, ये आपको स्टेल्थ ब्लैक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ जैसे देख सकते हैं, एमरल्ड देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। अभी पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बारे में भी आपको चीज़ें दिखाऊंगा उसमें क्या क्या है, कलर्स में क्या क्या एड ऑन हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलर आपको मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी पार्ट देखने को मिल जाता है रॉयल इनफील्ड में, और कुछ कुछ जगहों पे आपको ग्लॉसी पार्ट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आपको वेव की पहले जैसे देखने को मिल जाती है, बहुत प्यारी सी की आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे पहले अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर मैं आपको सामने से बताते चलूँ, यहाँ पे आपको अपडेट मिल गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एलईडी हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जो कि पहले हाइलोजन बेस्ड था, अब यहाँ पे एलईडी बेस्ड हो चुका है और काफ़ी फ्यूचर में जा रहे हैं इस वजह से भी। और काफ़ी लोगों को एलईडी ही पसंद आता है, हाइलोजन ले लेते हैं बट उसको बाद में मॉडिफाई करके लगा देते हैं, बट वो चीज़ें सॉल्व कर दी गई हुई हैं। अब जो है एलईडी पे आएगा और पावर सेविंग भी इसमें हो जाएगा जब एलईडी पे आ जाता है, तो बैटरी कंजम्पशन कम होती है। और यहाँ पे पैलेट लैम्प भी आपको देखने को मिल जाएगा एलईडी, जैसे कि अभी मैं आपको की लगा के दिखा देता हूँ, ये ऑन होते हैं जैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पायलेंट लैम्प भी एलईडी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छे और ब्राइट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आपको जो एलईडी यहाँ पे देखने को मिलेगी, अभी मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी इंजन स्टार्ट हो गया, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एलईडी लैम्प काफ़ी मतलब ब्राइट देखने को मिल रहा है। रात में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है, हाईवे पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जैसे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया हुआ है। ये सेम टू सेम वही GT 650 एंड आपका जो मीटियोर 650 वेरियंट में आपको देखने को ये मिल जाएगा, सेम टू सेम हेडलैम्प। सो आपको यहाँ पे इसके साइड में इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि वो भी एलईडी देखने को आपको मिल जाएगा। अब इसको भी ऑन करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हैजार्ड का भी ऑप्शन आपको मिल गया हुआ है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि बहुत ज़रूरी था हैजार्ड, रात में बहुत ज़रूरी रहता है हैजार्ड। और यहाँ पे आपको एलईडी का सेटअप यहाँ पे भी इंडिकेटर्स में भी देखने को मिल जाता है, ये भी बहुत प्यारे लग रहे हैं और काफ़ी तेज़ जल रहे हैं। कर देता हूँ उसको बंद। और यहाँ पर वही सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी, एंड काफ़ी बड़ी डिस्क देखने को मिल जाती है, और डुअल चैनल ABS में आपको ये देखने को मिल जाएगा। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको 100x90x19 इंच का अलॉय देखने को मिल जाता है, और ब्राइबरी की ब्रेक है। और यहाँ देख सकते हैं एसेसरीज आपको अलग से बाय करनी पड़ेंगी, ये आपको शोरूम से आपको अपने आप से पता चल जाएगा। और ये भी आपको सम गार्ड भी आपको एसेसरीज में ही मिलता है, जो आपके पुराने जैसे यहाँ पे रबड़ वाले फुटरेस्ट एंड ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इंजन है, इंजन आपको सेम देखने को मिल जाएगा, जो कि 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल्ड देखने को मिल जाता है। और पावर की बात बताएं तो 20 PS की पावर अप्रॉक्स देखने को मिलती है, और टॉर्क की बताएं तो 27 Nm के अप्रॉक्स आपको टॉर्क देखने को मिलता है। सेम टू सेम इंजन आपको दिया गया है, कोई इसमें चेंजेस नहीं। यहाँ पे आपको नई बैजिंग थोड़ी सी मिल जाती है कलर में, जो कि आपका ग्लॉसी में आपको देखने को मिल जाता है। वही सेम टू सेम एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है, पीछे भी आपको डिस्क देखने को मिल जाएगी। यहाँ बैक प्रोफाइल की बात कर ले तो 120x80x18 इंच का एलॉय मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ट्विन शॉकर एब्जॉर्बर देखने को मिल जाते हैं सेम टू सेम। और यहाँ पीछे की तरफ आपको भी दिखाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट यहाँ पे भी आपको एलईडी वाले देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे सेम टू सेम वही आपको हेडलाइट देखने को मिल जाती है। ये आपका मड गार्ड देखने को मिल जाएगा। और अभी मैं आता हूँ थोड़ा इधर की तरफ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गद्दी बताऊँ तो काफ़ी अच्छी तरीके से सीट बना दी गई है, स्प्लिट सीट हमेशा इसने दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ग्रैब रेल काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, और कुशनिंग हमेशा इसकी काफ़ी अच्छी रही है, मैंने भी प्रॉपरली चलाई हुई है, तो यहाँ बैठने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। टैंक सेम टू सेम आपको वही दिया गया हुआ है, और E20 की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है, यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसके हैंडल बार में आपको देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस यहाँ पे आपको हैजार्ड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी जल रहा है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि इन्होंने यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एडजस्टेबल आपको लीवर देखने को मिल जाएगा, जो कि ये आपका क्लच में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिल जाता है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने करी गई हुई है। और यहाँ पे इसके अगर स्पीडोमीटर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको वही हाफ हाफ वाला एनालॉग एंड डिजिटल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको
देखने को मिल जाता है, नेविगेशन वाला नेविगेशन असिस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि ये जो है सारे अपर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि वहाँ पे एमरल्ड वाले में भी एक और है कलर, उसमें भी देखने को मिल जाएगा, जो कि उन तीनों से जो जितने भी नीचे वाले वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसको आपको अलग से लगाने का ऑप्शन रहता है मिल जाएगा। और अगर इसमें आपको बताओ तो फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है, ट्रिप गियर गियर इंडिकेटर दिखाएगा, और यहाँ पे किलोमीटर दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको पूरा स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन दिखा रही है, ABS ऑन है, फ्यूल गेज दिखा रहा है, न्यूट्रल आपको गियर इंडिकेटर आपको दिखाएगा। और अगर मैं इसके बटन्स को पुश करो, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है, किलोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप वन, ट्रिप टू एंड ट्रिप एफ, बस इतना ही आपको दिखाएगा, और ये फंक्शंस आपको यहाँ से टॉगल करने को मिल जाएगा। तो कुछ यही चीज़ें थी जो अपडेट करी गई हैं। और आपको प्राइस बताने से पहले और उसको भी दिखाने से पहले आपको अभी एग्जॉस्ट अभी आपको सुना देता हूँ जल्दी से। एग्जॉस्ट बताने से पहले वही साइड स्टैंड सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सेंटर स्टैंड देखने को मिल जाएगा। और सीट हाइट की बताऊँ तो 805 आपको सीट हाइट देखने को मिल जाएगी, और वेट बताऊँ तो 195 kg के वेट देखने को मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो 170 आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ सारी गार्ड विद फुटरेस्ट, और यहाँ पे रखने के लिए हेलमेट फंसाने के लिए कुछ भी आप काम कर सकते हैं। और अभी मैं इसको जल्दी से एग्जॉस्ट अभी आपको सुनाता हूँ। यह आपकी अभी आइडियल में खड़ी हुई थी, अब इसका मैं रेव करके आपको सुनाऊंगा गाइस। और यही कुछ अभी रेव करके था, और रेव करने पे आवाज वैसे भी पहले जैसी ही बहुत अच्छी आती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, सॉरी जैसे कि आपने सुना ही होगा। और अभी इसके प्राइस बताने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ आपको कलर में दिखाऊंगा एमरल्ड ग्रीन, जो कि बहुत प्यारी दिखने में लग रही है, रॉयल जैसी फीलिंग आ रही है। रॉयल वाली गाड़ी तो है ही, बट फीलिंग इसमें आ रही है रॉयल जैसी। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको एमरल्ड की कलर देखने को मिल जाएगा, ग्रीन टाइप कलर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको क्रोम की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, बैजिंग देखिए गाइस, सबसे अलग बैजिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको क्राउन देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको क्रोम की बैजिंग मिल जाती है, सॉरी क्रोम का पूरा कलर मिल जाता है, बैजिंग आपको जो क्लासिक 350 है नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है कलरफुल में, यहाँ पे भी आपको पूरा क्रोम पे ही वर्क देखने को मिल जाएगा। और एग्जॉस्ट में भी आपको पूरा क्रोम का देखने को मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं पूरा आपको दिखाता हूँ, पूरा आपका कैटलेटर से लेके पूरा एग्जॉस्ट पूरा आपका क्रोम बेस्ड है। और यहाँ पे आपको जो सामने से अगर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपका क्रोम वर्क देखने को मिल जाएगा अपर साइड में, जैसे देख सकते हैं हेडलैम्प के पास, और यहाँ पे भी आपका देखने को मिल जाएगा क्रोम वर्क, और कुछ बीच में जैसे ग्रीन टाइप देखने को मिल जाएगा, एमरल्ड बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पे भी आपको क्रोम वर्क, डाउन में भी सिल्वर आपको देखने को मिल जाएगा, सम गार्ड में देख सकते हैं रॉयल फील्ड की बैजिंग देखने को मिल जाती है सेम साइड में। और जो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर है आपके, वो भी आपको सिल्वर में ही देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्रोम की बैजिंग मिल जाती है। और भाई साहब यहाँ पे आपको इंडिकेटर में भी आपको क्रोम की बैजिंग देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे है, पूरा एकदम रॉयल जैसा फील है। और यहाँ पे भी आपको हैंडल बार भी आपका सेम टू सेम वैसे ही क्रोम बेस पे है। और ये भी जो कि आपके मिरर्स की जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी देखने को मिल जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम बेस्ड है, यहाँ पे भी आपका क्रोम बेस देखने को मिल जाता है, लीवर्स एंड क्लच में भी आपका क्रोम बेस देखने को मिल जाता है, और बाकी तो क्रोम बेस्ड है ही, इसमें भी आपको नेविगेशन वाला देखने को मिल जाता है। और जिसकी जो फ्यूल लीड है, फ्यूल लीड भी आपको क्रोम में देखने को मिल जाती है, वहाँ पर भी आपको क्रोम में ही देखने को मिल जाएगी। और अब सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे इसके जो प्राइस के बारे में, प्राइस की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे लखनऊ में आपको एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा, ये स्टेल्थ ब्लैक वाला एटलीस्ट 2.25 के लाख अप्रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी, एक शोरूम प्राइस है। एंड जो एमरल्ड ग्रीन आपको देखने को जो मैंने आपको दिखाया प्रॉपर तरीके से, ये भी सेम आपको मिलेगा, बट इसमें क्या है, इसमें आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 2.35 लाख के अप्रॉक्स आपको इसमें देना पड़ेगा। तो चेंजेस तो काफ़ी है गाइस, 10,000 रुपये वर्थ इट है, अगर आपको देखने में लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको बाय करिएगा, वरना आप इसको जाके बाय कर सकते हैं, ये ह्यूज सेंसेशन बाइक, इसकी कलर बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये बाइक आपको कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी राइडिंग टेस्ट के लिए एंड देखने के लिए बाय करने के लिए, ये आप आ सकते हैं
रॉयल मोटर वर्क्स पे, जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आपको देखने को मिलेगी। बाकी मैं जो इसका एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज जाके वहां से अपनी क्यूरी जो भी हो पूछ लीजिएगा, और वहां से आप देखे एड्रेस देखे आप यहाँ पे पहुंच जाइएगा। और ये रहा एमरल्ड वाला, बहुत ही काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं दूर से अगर दिखाऊं थोड़ा सा 0.5 करके, जैसे आप देख सकते हैं सारी गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये शोरूम काफी अच्छा देखने को मिल जा रहा, सारी गाड़ियां आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ऐसे ही ब्लॉग्स आपके लिए लाता रहूंगा। एंड टाटा बाय बाय, सी यू सो गाइस।